जो कोई भी उम्मीदवार है वो अपना नामांकन जो है वापस ले सकता है, तो ये प्रक्रिया उसमें रहेगी। पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा नामांकन किया गया है और पटना साहिब में किसी ने नहीं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है, महिला वोटर्स है, यूथ वोटर्स है, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम एक नवाचार के तहत जो है मॉडल बूथ्स बनाते हैं, यानी जो है लेके जा सकते हैं लेकिन अंदर बूथ के अंदर आप नहीं जा सकते। सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है, आप 49 लाख से ज्यादा जो है हमारे वोटर्स आते हैं क्योंकि हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि 7वें चरण में पटना में मतदान होना है, जिसके लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज पूरे दिन में एक नॉमिनेशन किया गया है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पूरी जानकारी पटना DM के द्वारा साझा की गई है। और पटना DM क्या बता रहे हैं जरा देखें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पटना के हैसियत से आज जो है नोटिस टू इलेक्शंस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना साहिब और पाटलिपुत्रा यहाँ पे हुआ है। जो इसका कार्यक्रम है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब नोटिस टू इलेक्शंस हो जाता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है। तो पटना साहिब के रिटर्निंग ऑफिसर जिला पदाधिकारी स्वयं है और पाटलिपुत्रा जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए ADM रेवेन्यू हमारे राजस्व विभाग के जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे है। आज से ये नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है और नॉमिनेशन देने का जो समय है वो 11 बजने से 3 बजे तक रहता है। इसके साथ साथ जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 मई तक चलेगी। 15 मई को जो नॉमिनेशंस होते हैं उसकी स्क्रूटिनी 11 बजे यहाँ पे समाहरणालय में की जाएगी। उसके साथ 17 मई को जो है विड्रॉल फॉर द कैंडिडेचर, जो कोई भी उम्मीदवार है वो अपना नामांकन जो है वापस ले सकता है, तो ये प्रक्रिया उसमें रहेगी। जो काउंटिंग होगी इन दोनों लोकसभा के लिए वो AN कॉलेज में होगी, जहाँ पे ये हमारा कुछ बूथ्स भी है वहीं पे हमारी काउंटिंग हो जाए जो होगी। पटना साहिब के लिए श्री तनय सुल्तानिया जो है हमारे ARO है और पाटलिपुत्रा के लिए जो है हमारे जनक कुमार भूमि सुधार उपसमारता जो है ये ARO है, जहाँ नामांकन के लिए जो है वो आ सकता है। इसके टोटल 22,91,000 है। फिर पाटलिपुत्रा में 20,76,000 है और हम टोटल अगर लेते हैं तो 49 लाख से ज़्यादा जो है हमारे वोटर्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास बाढ़ और मोकामा जो मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये दो असेंबली भी आते हैं, जिसका चुनाव जो है 13 मई को यहाँ पे होने जा रहा है। मतदान केंद्रों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 2131 मतदान पटना साहिब में है और 2159, तो दोनों मिला के 4290 मतदान केंद्र पटना जिले के जो दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें आते हैं। और बाढ़ और मोकामा को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 4881 जो है हमारे मतदान केंद्र है, क्योंकि जब भी मतदान होता है तो मतदान ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर हो, जो भारत निर्वाचन आयोग का सिद्धांत रहा है, उसके लिए जो है विभिन्न तरह के स्ट्रेटजीज अपनाए जाते हैं, तो जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड होता है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, वीडियो सर्वेलेंस टीम होती है, इसके अलावा VVTs होते हैं, चेक पोस्ट और नाकाज होते हैं बॉर्डर पे। तो ये इसकी संख्या अगर हम देखते हैं तो दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के 28 हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड्स है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम हमारे 18 है, VST हमारे 18 है और वीडियो व्यूइंग टीम ये भी जो है 18 हमारे हैं, और नाके जो है इन दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 जो है बनाए गए हैं। अगर वल्नरेबल पॉकेट्स की बात करें तो ये एक्सरसाइज जो है प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। 388 इन दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंस में ऐसे पॉकेट्स, टोले, ग्राम आइडेंटिफाई किए गए हैं।
यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है, महिला वोटर्स है, यूथ वोटर्स है, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम एक नवाचार के तहत जो है मॉडल बूथ्स बनाते हैं या इनके एक्सक्लूसिव बूथ्स बनाते हैं। तो ये बूथ की संख्या भी जो है पीडब्ल्यूडी बूथ 15 है, यूथ बूथ 18 है और 103 जो है ऑल विमेन बूथ जो है हम बनाने जा रहे हैं, और मॉडल बूथ जो है 69 है, जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज जो है एएमएफ की जो मिनिमम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती है ये दी जाती है। जब भी चुनाव होता है बूथ के अंदर जो है जहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट है वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप अपना मोबाइल जो है गाड़ी में या जो आपके ड्राइवर होंगे जो आपके साथ जा रहे हैं उनके पास वो रखना है। ऐसे अगर कोई कर रहा है तो ये निश्चित सीक्रेसी ऑफ बैलेट का जो है वायलेशन है, उस पर कार्रवाई होगी। सर मेडिकल क्या व्यवस्था की गई है सर, कुछ पे क्या इस तरीके के डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे या किस तरीके का क्या व्यवस्था? देखिए इसमें मोबाइल गश्ती दल हमारे रहेंगे और जो मेडिकल किट है हमारे जितने भी पोलिंग पार्टीज है एक मेडिकल किट दिया है, उसमें हमारे जो बेसिक मेडिसिन है ORS है या बेसिक जो उपचार हमको करने हैं वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आशा वर्कर्स को भी बूथ पे हम रखेंगे ORS सैशे लेके, ताकि वो लोग भी जो है गर्मी के स्थिति में जो है आपको मदद कर सके। मोबाइल जो हमारी टीम्स रहेगी वो एक्टिव रहेगी उस समय में, और PHC भी जो है एक्टिव रहेंगे। सर थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर जो है हमारे पास 166 हमारे पास थर्ड जेंडर है, और थर्ड जेंडर के लिए जो है वो जाके वोट कर सकते हैं अपना मतदान का हक। पहले ये कैटेगराइजेशन नहीं था, तो अब जो है कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये हुआ है, तो उनको भी अपील है कि आप भी निश्चित आइए, क्योंकि ये इलेक्शन सबके लिए है। एक वोट का महत्व जो है बहुत होता है और है, हर वोट जो है काउंट होता है। एक राउंड ऑफ जो है संवेदनशीलता हमारी हो गई है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स हमारे यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ बैठ के हम संवेदनशील बूथ क्रिटिकल बूथ देख के फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो प्रिलिमिनरी जो है हम लोगों का एक राउंड हो गया है, अभी हम उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे क्योंकि इस पे और वर्कआउट जो है हम कर रहे हैं। ठीक सर, मतदान क्या नहीं, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब वो उनको बंद जेल में रखा जाएगा। ठीक सर, मतदान के दौरान सर जो गड़बड़ियां होती हैं अगर उसकी सूचना देखिए, मतदान के समय जो है हमारा कंट्रोल रूम का नंबर जो है आप जहाँ पे बैठे हैं इसको हम जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में परिवर्तित करेंगे। इसमें तीन तरीके के हमारे कंट्रोल रूम रहेंगे। एक वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम हमारे 50%, हाँ ये भी बहुत कुछ चीज़ है कि 50% बूथ को वेबकास्टिंग की सुविधा इस बार दी जा रही है, वो रिकॉर्ड होंगे और लाइव यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा है मीडिया मॉनिटरिंग सेल कंट्रोल रूम, वो भी यहीं पे हम सेटअप करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में जो भी आता है नेट उस समय में जो है वो, और जो आप बात कर रहे हैं हमारे यहाँ से EVM रिप्लेसमेंट, EVM जो खराब होते हैं उसको रिप्लेस करने का काम भी हो जाएगा, और साथ में हमारा DRCC में भी जो है सिंगल विंडो सिस्टम है परमिशन के लिए, सभा के लिए। वहाँ पे 1950 का हमारा कंट्रोल रूम है और यहाँ पे जो है कंप्लेन इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम यहाँ पे रहेगा, तो दोनों तरफ से जहाँ से भी फोन आएगा वो कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लॉक लेवल पे BDO COs है हमारे, जोनल मैजिस्ट्रेट सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट रहेंगे, ROs यहाँ पे है जिले में, और जो है सुपर जोनल ऑफिसर्स भी AROs SDOs वगैरह भी जो है वो भी रहेंगे, और पुलिस के पदाधिकारी भी जो है ये लोग भी जो है कंप्लेंट रिड्रेसल में रहेंगे। देखिए धारा 144 जो होती है वो धारा 144 होती है पोल डे के दौरान जो है असामाजिक तत्व जो एक साथ नहीं आए, या उस दिन जो फ्री फेयरनेस रहने के लिए जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी भी बैंड है, उस समय अगर पोल डे के दिन जो है आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको वाहन से बूथ पे जाने के लिए कोई रोक नहीं है। अगर कोई आपको रोकता है, इस बार हम ये भी अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि ये भी एक कारण हमने आइडेंटिफाई किया है कि बहुत जगह पे हमारे ड्रॉप गेट्स रहते हैं या बैरिकेडिंग रहता है, तो मैजिस्ट्रेट और चेकिंग जो हमारी होती है तो उस दौरान जो है आप लोगों को रोका जाता है क्यों जा रहा है या इस तरीके से, तो इस तरीके से तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसमें जाना है अपने गाड़ी से ही जाइए, आपको बिल्कुल फ्री है। एवरीबडी शुड गो, कि
गाड़ी जाना है या पैदल जाना है, पैदल बूथ नजदीक है तो, लेकिन गाड़ी निश्चित आप यूज कर लीजिए, वो भी हम आपको ये कर लेंगे। अभी हम आपको 85 प्लस का डाटा जो है बता रहे हैं। टोटल पीडब्ल्यूडी हमारे जो है इलेक्टर्स जो है 31,828 है, 85 प्लस के 55,339 और 87,000 टोटल मिला के, जो मैंने कहा था कि 87,000 जो है हमारा 85 प्लस जो है मिला पीडब्ल्यूडी प्लस ये सीनियर सिटीजन मिला के। हाँ ये पूरे जिले का है, पूरे जिले का है, मतलब इसमें बाढ़ मोकामा का भी डाटा है। 87,000 लोग हमारे यहाँ पे ऐसे है जो पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी जो हमारे शारीरिक रूप से जो असमर्थ लोग हैं वो, और जो 85 साल से ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं उनका ये फिगर। बूथ पे आप मोबाइल जो है लेके जा सकते हैं, लेकिन अंदर बूथ के अंदर आप नहीं जा सकते, सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है आप हैम्पर नहीं करेंगे। मोबाइल मैं अपील करूंगा, क्योंकि आप जो अपने गाड़ी आपके पास जो है ड्राइवर रहेंगे उनके पास आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कारण है कि मोबाइल नहीं ले जाना, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मोबाइल नहीं लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है कैसे होगा, कोई इमरजेंसी हो तो। लेकिन हाँ, बूथ के अंदर जो है नहीं है, जिसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट, आप जो है क्या वोट दिए क्या नहीं दिए या दूसरा क्या दे रहा है इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे मीडिया को बंधु के लिए भी वही पास आप हम लोग आपको भी इशू करेंगे, तो आपके लिए भी यही है, आप भी जा सकते हैं, कैबिन कैमरा जा सकते हैं, फोटो लाइन का खींच सकते हैं, क्या हो रहा है हमारा काउंटिंग में भी कैसे, जिसको काउंटिंग का पास मिला है वो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सीक्रेसी ऑफ बैलेट, वो वोट क्या डाल रहा है ये कोई नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो सर बहुत लोग वोट डालते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं उसे अपने सोशल साइट पर भी अपलोड करते हैं, ऐसे लोगों पर उन पे कानूनी कार्रवाई जो है यहाँ पे की जाएगी। देखिए निश्चित ड्रोन का भी उपयोग करेंगे, और जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पे माउंटेड बटालियन का स्पेशली जो है बाढ़ मोकामा के एरिया में भी जो है उपयोग करने की बात है, और पुलिस विभाग भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक वल्नरेबल पॉकेट्स की बात है, उसमें कारण क्या है और कौन व्यक्ति इससे इम्पैक्ट हुए, ये दो चीज़ें हैं। तो कारण को निरोधात्मक कार्रवाई, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन CCA 12 में भी जो है एक कार्रवाई हुई है, CCA 3 के तहत जो एक्सटर्नमेंट का होता है बॉर्डर थाना बदल का वगैरह, तो वो भी कार्रवाइयाँ काफ़ी सारी हो गई है पुलिस के अनुशंसा के उपरांत जो है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में रजिस्टर करना, गुंडा पंजी के बाद कार्रवाई करना, हिस्ट्री चीटर्स को सर्वेलेंस में रखना, विजिलेंस जो प्रोसीडिंग है वो, तो ये कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जहाँ पे जो कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी जो है, पूर्व में कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि मतदाता पर्ची बटी नहीं थी ठीक से इसलिए वोटिंग नहीं हुआ, कुछ जहाँ जगह पे बायकॉट्स के भी इशू आ रहे थे रोड्स के वगैरह, उसमें प्रयास चल रहा है कि हम लोग भी जो है सरकार के विभिन्न विभागों से जो है अपील करके जो है निश्चित वहाँ पे वोटिंग बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। वल्नरेबिलिटी के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण भी वल्नरेबिलिटी होती है, तो एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे। CPF की कंपनी जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हमको प्राप्त हो रही है, और उसका जो है डिप्लॉयमेंट भी जो है हम क्रिटिकलिटी के मात्रा जो है उसके हिसाब से करेंगे, ज़्यादा संवेदनशील को जो है हम सबसे पहले CPF से कवर करेंगे, और बाकी जो है रेस्ट स्टेट आर्म पुलिस भी जो है, हमारा DAP भी जो है, ये लोग भी अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो निश्चित जो है इस बार जो है चुनाव जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो है करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे जिले की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ पे अर्बन वोटर्स ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कि 17 नगर निकाय है और पटना नगर निगम क्षेत्र में ही लगभग 3.5 जो है हमारे विधानसभा का जो है एरिया आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 1500 प्लस बूथ पटना नगर निगम क्षेत्र में ही आते हैं, तो अर्बन वोटर्स ज़्यादा है, तो वहाँ वल्नरेबिलिटी का एज सच बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे निश्चित जो है वोटर टर्नआउट बहुत बड़ा इशू है, अर्बन अपैथी जो फैक्टर है वो, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हिसाब से हम ये आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विशेष प्रयास पटना में हम करेंगे, पानी की व्यवस्था बेहतर तरीके से करने के लिए स्वीप कोषांग यहाँ पे काम कर रहा है, AMF कोषांग भी हमारा काम कर रहा है। इसके अलावा वोटर्स के बीच में अवेयरनेस जो है, क्योंकि
लोगों को अगर मतदान पर्ची सही समय पर मिलेगी तो निश्चित जो है वो उनको पता चलेगा कि अपना बूथ कहाँ पे है और मतदान को, तो वोटर पर्ची का वितरण भी हमारा एक प्राथमिकता में आता है। इसके अलावा जो क्यू मैनेजमेंट है और शेड, गर्मी का मौसम देखते हुए जिस स्कूल में अगर रूम्स खाली हमारे पास है तो उनको भी हम खोलेंगे ताकि लोग जो है वहाँ पे अपना वेटिंग रूम की तरह उसमें यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं ताकि गर्मी में सीधे धूप से वो इम्पैक्ट नहीं हो। कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की जा रही है, खत लिखना बच्चों के मार्फत अभिभावकों को, मार्च टू बूथ या जो ग्राम सभा के तर्ज पे जो है मतदान सभा आयोजित करना, नगर निगम के द्वारा भी जो है बहुत ही अच्छा काम पटना नगर निगम के द्वारा भी किया जा रहा है और इसमें भी जो है चकाचक पटना के तर्ज पर जो है या प्रॉपर्टी टैक्स ओनर्स है उनको भी जो है मैसेजेस जा रहे हैं। 17 नगर निकाय क्योंकि पटना जिले में है, दानापुर, फुलवारी, खगोल, इनके मार्फत भी जो है जिंगल्स पटना के साथ साथ वो जो सुबह जो गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारा व्हीकल आता है उसमें किया जा रहा है। तो ये सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो की जा रही है ताकि पटना में जो है मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, क्योंकि पटना साहिब का सबसे लोएस्ट लास्ट टाइम जो है रहा था मतदान का प्रतिशत, तो इस बार प्रयास किया जा रहा है कि वो बढ़े। और मैं आप सभी के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है, हमारा पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो निश्चित जो है आप मतदान करने के लिए आएंगे। मैं अनुरोध करूँगा SSP साहब के प्रति इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके तहत कुछ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी जो है हम लोग करते हैं ताकि चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके। तो इस जिले के अंतर्गत अब तक जो है 6077 जो है बाउंड डाउन की कार्रवाई जो है की गई है CRPC, 16,000 से ज़्यादा लगभग लोगों को जो है 107 के तहत जो नोटिस गया था, गुंडा रजिस्टर भी पुलिस के द्वारा 237 लोगों पे कार्रवाई हुई है, सर्वेलेंस ऑन हिस्ट्री शीटर्स जो होते हैं उन पे भी जो 154 लोगों को जो है कार्रवाई हो रही है, CCA में भी जो है आउट ऑफ 394 प्रस्ताव 234 जो है आदेश हो चुके हैं और कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, CCA 12 में एक जो है राज्य सरकार से भी अनुमोदित हुआ है जिस पे CCA 12 के तहत जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई हो रही है, आर्म्स भी डिपोजिशन हमारे यहाँ पे हो रहा है, देसी लीकर भी है 25,778 लीटर जो है यहाँ पे सीज किया गया है, IMFL भी है 10,921 लीटर सीज किया गया है। तो कार्रवाई ससमय पे हो रही है, मेन जो है आर्म्स रिलेटेड यहाँ पे आर्म्स मजिस्ट्रेट कार्रवाई करते हैं तो उसमें जो है 7,852 जो हमारी कुल अनुज्ञप्तियाँ है पटना ज़िले में उसमें से 6,845 का जो है सत्यापन किया गया है, अभी भी शेष बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई भी पुलिस के प्रतिवेदन पे जो है हम कर रहे हैं, 200 प्लस आर्म्स जो है सस्पेंडेड भी हुए हैं और कुछ आर्म्स को कैंसिल भी किया गया है। नाम निर्देशन में क्योंकि कैंडिडेट्स आते हैं और ये क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है तो इस संदर्भ में भी सभी को पता होना चाहिए कि नाम निर्देशन किस तरीके से किया जाता है, एक विहित प्रपत्र में जो है आपको नाम निर्देशन किया जाता है यहाँ पे और साथ में एफिडेविट भी दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नाम निर्देशन होता है, नाम निर्देशन अधिकतम 4 सेट में कोई भी कैंडिडेट्स दे सकता है, 4 ही सेट अनुमान्य है, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में वो अभ्यर्थी की तर्ज पर जो है अपना नामांकन कर सकता है, 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, जो सामान्य श्रेणी होती है उसके लिए जो है फीस होती है वो 25,000 है जिसको नामांकन शुल्क बोलते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उसका आधा 25,000 का आधा जो है नामांकन शुल्क लिया जाता है। अब जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है, सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो है नामांकन वो ऑनलाइन भी जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। जो खाता होता है बैंक का खाता, तो नया खाता एक दिन पूर्व कैंडिडेट या कैंडिडेट का जो इलेक्शन एजेंट है संयुक्त रूप से उसको वो खोल सकते हैं। जब नामांकन करने के लिए वो आएंगे तो 3 से ज़्यादा गाड़ी से नहीं आते हैं कैंडिडेट जो 100 मीटर की परिधि में जो है जिनको अनुमान्य किया जाता है, और नामांकन के समय में कैंडिडेट एवं 4 मतलब टोटल इतने ही व्यक्ति आ सकते हैं, कैंडिडेट प्लस 4 5 व्यक्ति, उससे ज़्यादा व्यक्ति जो है नामांकन के समय में नहीं
पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा नामांकन किया गया है और पटना साहिब में किसी ने नहीं किया। जाहिर सी बात है कि पटना डीएम ने साफ तरीके से बताया है कि बूथ में लोगों को मतदान देने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन है जागरूकता अभियान चला रही है। जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ हर जो भी केंद्र होंगे वहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी को लेकर के सेट की तैयारी कर ली गई है, मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और खास करके पटना डीएम ने लोगों से अपील की है कि घर घर से जा करके निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करें। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।